प्यारी बहना, आप आज क्या बनाने जा रही है? चिकन ब्रेड पेटीज बनाने जा रही हूँ। तो आप आज चिकन ब्रेड पैटीज बनाने जा रही है, तो देखकर लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी आप बनाने वाली है। तो ये है, ये क्या है? चिकन का कीमा है चिकन का कीमा है। तो ये कितना चिकन है? 500 ग्राम। तो ये आधा केजी चिकन है और यहाँ पे बहुत सारा मसाला है। तो चलिए फटाफट बनाइए। इसके लिए हमको सबसे पहले लहसुन का पेस्ट चाहिए। तो ये लहसुन का पेस्ट है। तो लहसुन का पेस्ट कितना चम्मच ऐड करना डेढ़ है? चम्मच 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करना है इसमें। तो ऐड हो गया। और चलिए बाकी आगे, का मसाला यहाँ है। तो डालिए मसाला। ये कौन सा मसाला है? धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर, रखिए धनिया पाउडर। ये कौन ये सा? चिकन पाउडर है, अच्छा, चिकन पाउडर। गरम मसाला, ये गरम मसाला है। और ये चाट मसाला है, चाट मसाला है, ये खड़ा लाल मिर्च पाउडर है। खरा लाल मिर्च पाउडर है। चलिए रखिए। नमक है, नमक है, ये लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हल्दी पाउडर, पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, पहले पूरा मिला देंगे, ये मसाला आपस में मिल जाए। अब इसको 2-3 मिनट के लिए फ्रिज में ढक कर रख देंगे। 2-3 मिनट के लिए फ्रिज में ढक कर रख देंगे। बिल्कुल, तो रख दीजिए। चलिए, पाँच मिनट फ्रिज में रखने के बाद निकालना है गोश्त को। तो ये गोश्त रहा, ठंडा ठंडा है गोश्त। तो अब आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी प्याज इसमें डालेंगे, थोड़ी सी प्याज उसमें डालेंगे, और हरी मिर्चा, ये हरी मिर्चा है, और थोड़ी देर इसको चलाएंगे। एक मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिए हैं। इसमें चिकन कीमा डालेंगे। तो अब इसमें चिकन कीमा ऐड करेंगे। गैस फ्लेम कम कर देंगे। गैस की फ्लेम कम करके थोड़ा इसको घुमाना है, अच्छे से पूरा मिक्स करना है। अच्छी तरह से 2-3 मिनट भूनेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से 2-3 मिनट भूनना है। जब तक अच्छी तरह से पक न जाए तब तक इसको चलाते रहना है। थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, तो 1 कप पानी ऐड करेंगे इसमें। एक मिनट के लिए इसको ढक, थोड़ी देर के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। मिनट हो गया है, देखिए कितना अच्छा तरीके से पक गया पूरा। और इसमें बड़ा साइज का आलू है, तो 1 बड़ा साइज आलू ऐड करेंगे इसमें कटा हुआ। हाँ।
इसमें थोड़ा पानी ऐड किए थे, तो देखिए पूरा पानी इसमें से सूख गया है। तो अभी ये फाइनली तैयार हो चुका है, अब इसमें कुछ और ऐड करना है। तो इसके लिए इसको उतार लेंगे, दूसरे बर्तन में रखेंगे। तो चलिए फटाफट रख लेते हैं। तो इसमें रख लिए हैं, अलग से बर्तन एक लेके इसमें रखे हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़े से गरम मसाला। तो ये गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, प्याज है, प्याज ऐड करेंगे एक प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती, धनिया पत्ती थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें, और लास्ट में नींबू ऐड करेंगे इसमें। तो इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। फाइनली चिकन कीमा तैयार हो गया ब्रेड पैटीज बनाने के लिए। तो यहाँ पे चिकन कीमा तैयार हो गया ब्रेड पैटीज बनाने के लिए। बेलन से बेल लेंगे, हल्का हल्का बेल लेंगे, और यहाँ पे देखिए बेलन से बेल चुके हैं। और इसमें लेप लगाया जाएगा। लेप क्या चीज़ का है? मैदे का। तो दोस्तों लेप जो है मैदा का लेप है, और यहाँ पे ब्रेड पे लगाया गया है। लेप लगाने से पहले दोस्तों थोड़ा सा बेल लिया गया है हल्का हाथ से। और ये क्या रख रहे हैं आप? चिकन का कीमा। तो दोस्तों यहाँ पे चिकन का कीमा रखा गया है, थोड़ा सा चिकन का कीमा रखा गया। उसके बाद इसको अब दबाया जाएगा चारों तरफ से, तो ये पूरा तरह से बैठ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चारों तरफ से दबाकर बैठा दिया गया है इसको, और यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये सब तैयार हो चुका है, और अब इसको तेल में फ्राई करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए फटाफट फ्राई कर लेते हैं तेल में। ये क्या है? मैदा। अच्छा मैदा है, तो इसका क्या बनेगा? इसका घोल तैयार करेंगे। अच्छा अच्छा, इसका मैदा का लेप बनेगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला,
तो देखिए पक के पूरा एकदम तैयार हो चुका है, देखिए एकदम झुर्रा हो गया है देखिए। तो इसको थोड़ी देर और रखेंगे, यानी कुछ सेकेंड, उसके बाद निकाल लेंगे। होए होए, ये देखिए दोस्तों, ये ब्रेड पैटीज बनके तैयार हो गया है। और मैं इसको तोड़ के देखा कि अंदर कैसा है, तो देखिए ये कितना, मतलब अंदर से अच्छा लग रहा है और खाने में इतना स्वादिष्ट है कि खाकर आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। दोस्तों आप अपने घर पे इसी तरह से आप ज़रूर ब्रेड पैटीज तैयार कीजिए और खाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको खाने के बाद। मुझे, मैं जब इसको ब्रेड पैटीज को देखा तो मेरे मुँह में पूरा पानी आ गया, मेरा मुँह लपलपा गया दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे किसी नए रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।